एक बहुत बड़ा जरिया होता है बच्चों के अंदर छिपे हुए बहुमुखी प्रतिभा को बाहर निकालने का, उनको विकसित करने का। के पहले मैं स्टेज पे जाने से डरती थी, मैं स्टेज पे जाके बोलने से डरती थी कि मैं ब्लैंक हो जाती थी, मेरे दिमाग में लोगों को देख के एक मतलब मैं डर जाती थी। लेकिन जब मैं समर कैंप आई तो अब मुझे अपनी बात कहने में कोई डर नहीं लगता। अब अगर बहुत सारे लोग हैं, मुझे स्टेज पे जाके कुछ बोलना है, जो मेरी भावनाएँ हैं, जो मैं सोचती हूँ, वो अब मुझे कहने में डर नहीं लगता। अभी मैं ये बच्चे हैं हमारे साथ, छोटे बड़े सब बच्चे हैं, ये लोग समर कैंप में है जो अभिनय प्रशिक्षण और व्यक्तित्व विकास कार्यशाला चल रहा है 25 दिन का। तो ये बच्चे पिछले 15 दिनों से प्रशिक्षण ले रहे हैं, इन लोगों से हम बातचीत करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं इसमें जो कि पिछले कई कैंप से लगातार आ रहे हैं, 2 साल कोरोना की वजह से कैंप नहीं चल पाया, इस बार शुरू हुआ है, तो बहुत सारे बच्चे बाहर भी निकल गए। तो अभी सारे बच्चे उतावले हैं कि हमसे कुछ पूछा जाएगा और हम बताएंगे। देखिए अभी चैन से नहीं खड़े हो सकते हैं, लेकिन बातचीत शुरू करेंगे हम लोग। हमारे साथ ये श्रेयसी है, आ जाओ, तुम आगे आओ। श्रेयसी पिछले 3-4 साल से कैंप में लगातार आ रही है, तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे श्रेयसी से कि तुमने क्या चेंज पाया अपने आप में समर कैंप में आने से पहले और समर कैंप में आने के बाद। समर कैंप में आने के पहले मैं स्टेज पे जाने से डरती थी, मैं स्टेज पे जाके बोलने से डरती थी कि मैं ब्लैंक हो जाती थी, मेरे दिमाग में लोगों को देख के एक मतलब मैं डर जाती थी। लेकिन जब मैं समर कैंप आई तो अब मुझे अपनी बात कहने में कोई डर नहीं लगता। अब अगर बहुत सारे लोग हैं, मुझे स्टेज पे जाके कुछ बोलना है, जो मेरी भावनाएं हैं, जो मैं सोचती हूँ, वो अब मुझे कहने में डर नहीं लगता है। तो इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ और इसकी वजह से मैं अपने कल्चरल चीज़ों में भी आगे बढ़ी हूँ। अब इस चीज़ का फ़ायदा मुझे ज़िंदगी भर होगा, क्योंकि अगर मुझे अपनी थिंकिंग रखनी है सोसाइटी के सामने तो मैं बिना डरे रख सकती हूँ। ये बड़ी बात है कि अगर हमारे पास कोई विचार है, खास करके बच्चों से जब हम कुछ सवाल पूछते हैं, उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कुछ कहना चाहते हैं वो स्टेज पर आकर के या फिर क्लासरूम में, तो बोल नहीं पाते हैं, उनके अंदर एक झिझक होती है। तो हम लोग की ये कोशिश रहती है कि इस झिझक को तोड़ा जाए, इन बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाए। क्या क्या सीखा तुमने इस समर कैंप में? पूरे समर कैंप में मैंने अपनी पर्सनैलिटी को एक बेहतर रूप से प्रेजेंट करना सीखा, अपने बातों को कैसे सोसाइटी में सही तरीके से बोलना है, सही फीलिंग से बोलनी है, वो सीखा, और लोगों को कैसे समझना है वो भी सीखा। और जैसे हम कविताएं पढ़ते हैं तो कविताएं हम बस रीडिंग कर लेते हैं, उनके शब्दों को बस हम बोल देते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने कविता को जीना सीखा कि कविता, जब एक कवि कविता लिखता है तो वो एक अपने अलग व्यक्तित्व में लिखता है, वो अलग कुछ सोच रहा रहता है। तो कविता में मैंने कवि की तरह सोचकर कविता को पढ़ना, उसे फील करना सीखा। ये बड़ी बात है कि किसी कविता का पाठ हम करते हैं तो एक तो होता है कि कविताएं पढ़ देते हैं, लेकिन उसकी फीलिंग के साथ पढ़ना, तो श्रेयसी ने सीखा इस समर कैंप में आने के बाद। ये बहुत सारे बच्चे हमारे पास है, एक है बच्चा हमारे साथ ईशान, क्या नाम है तुम्हारा? ईशान पाठक। किस क्लास में हो? क्लास फिफ्थ में। इसके पहले कभी समर कैंप ज्वाइन किया था? नहीं, कभी नहीं किया। कैसा लग रहा है आने के बाद? यहाँ पे बहुत मस्ती होती है, हमको यहाँ अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। सीखने को मिलता है कुछ। हाँ। तो ये तुम्हारे अंदर कुछ चेंज लग रहा है अंदर से कि मैंने कुछ चेंज किया? हाँ। ईशान के पिताजी की शिकायत थी कि घर पे बहुत कम बोलता है, इंट्रोवर्ट है, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है ना? नहीं, अब तो अपनी बात रख लेते हो ठीक से। हाँ। तो ये सारे बच्चे हैं हमारे, बहुत सारे बच्चे हैं, इन लोगों से फिर हम बात करेंगे। एक ये बच्चा, ये क्या नाम है तुम्हारा? आदित्य कुमार। हाँ, आदित्य कुमार। इनकी खासियत ये है कि अभी 5 साल के हैं ये, और 7 साल। देखिए अभी उम्र छिपा नहीं रहे हैं, बहुत सारे बच्चे और उम्र छिपाते हैं लेकिन अभी उम्र छिपा नहीं रहे हैं। इनकी खासियत ये है कि 40 किलोमीटर दूर से ये आते हैं, इनके पिताजी रोज़ लेकर के आते हैं बाइक से या छोड़ते हैं, और जब ये कैंप समाप्त हो जाता है तो फिर इनको लेकर के चले जाते हैं। तो पेरेंट्स जागरूक भी हैं जो अपने बच्चों को इन कैंप में भेजते हैं। कैंप के बहुत सारे फ़ायदे हैं और ये सारे बच्चे बच्चियाँ हैं। और कोई शुभ बात करेगा? शुभ, इधर, क्या नाम है आपका? शुभ। शुभ, किस क्लास में है आप? फोर्थ क्लास में है। अच्छा, तो इसके पहले कभी कैंप ज्वाइन किया था आपने? इसके साथ आता था। अच्छा, उसके साथ आते थे, वो कौन है? मेरी दी बहन है। अच्छा, बहन के साथ आते थे। तो पहले कैसा लगता था, आप कैसा लग रहा है? पहले मैं बाकी सारे बच्चों से खुल के बात नहीं कह सकता था, अब कहता हूँ। अब कह लेते हो? अच्छा, मजा आता है कैंप में? हाँ। हा?
समर कैंप में बच्चे बहुत सारी विधाएं सीख रहे हैं, संगीत सीख रहे हैं, एक्टिंग सीख रहे हैं, फेस का एक्सप्रेशन कैसे बदलेगा, हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा होगा, डायलॉग डिलीवरी कैसी होगी, बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं ये लोग। और इनको जो प्रशिक्षण दे रहे हैं तो उनमें आनंद कुमार चौहान है, उनसे भी हम लोग बात करेंगे। अभी ट्विंकल गुप्ता है, ट्विंकल गुप्ता शुरू से ही कैंप को संभाल रही है इन बच्चों के साथ बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो ट्विंकल, आप युवा रंगकर्मी हैं, थिएटर करती हैं, आप बच्चों के साथ कैसा लग रहा है आपको? बच्चों के साथ बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों के साथ हम रह के बच्चे बन जाते हैं और इन सबको सिखाने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्या क्या सिखा रहे हैं आप बच्चों को? बच्चों को डांस है, म्यूजिक है और इसके साथ ही कविताओं की प्रस्तुति कैसे की जाती है ये बता रहे हैं और सोलो प्ले कैसे किया जाता है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे जो जैसे शुरू में जो बच्चे आए, अभी 15 दिन कैंप हो गया है, तो जो बच्चे शुरू में आए और अब क्या स्थिति है बच्चों की, पहले कैसे थे और अब कैसे हैं? पहले तो बिल्कुल, पहले दिन इनको देखा जाए तो बहुत शांत थे, चुप से थे, लेकिन अब तो ये इतना शोर करते हैं, इतनी मस्ती करते हैं कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो ये मस्ती का पाठशाला है और बच्चे जब मस्ती करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनकी प्रतिभाएं बाहर निकल करके आती हैं। हमारे साथ आनंद कुमार चौहान है, थिएटर आर्टिस्ट है, पिछले 15 सालों से थिएटर कर रहे हैं ये और आज इन बच्चों के साथ हैं। बच्चों को थिएटर की गतिविधियाँ जो बारीकियाँ हैं वो बता रहे हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे किया जाता है वो बता रहे हैं। तो आप सबसे पहले आनंद की कैसा लग रहा है इन बच्चों के साथ? इन बच्चों के साथ काम करके बहुत मजा आ रहा है क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही हैं और इनके साथ जब हम काम करते हैं तो हम भी बच्चे बन जाते हैं ये। और इनके बच्चे क्या है कि अगर हम इनको एक जगह खड़ा करते हैं तो दूसरा उधर चला जाता है, उसको यहाँ खड़ा करते हैं तो तीसरा उधर से आ जाता है, सर मेरे साथ ये कर रहा है, मुझे मार रहा है, मेरे साथ ये छेड़छाड़ कर रहा है। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है, इन लोगों के पास याद करने की जो क्षमता है, पढ़ के अगर हम आज स्क्रिप्ट दे रहे हैं कि बेटा ये लाइन तुम कल याद करके आ जाना, बिल्कुल याद करके आ जा रहे हैं। तो इनके साथ काम करके एक ये भी फ़ायदा है, बहुत मज़ा आ रहा है इनके साथ। मज़ा आ रहा है आपको? तो अभी क्या क्या सिखा रहे हैं इन बच्चों को? अभी मैं इनको अभिनय में नाटक सिखा रहा हूँ मैं, तो एक नाटक है दो कलाकार और दूसरा नाटक है खो खो भो भो, जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की लिखी हुई कहानी है, उसको प्ले करेंगे बच्चे। बस रीडिंग कर लिए हैं, बाकी अब फिनिशिंग कल से शुरू हो जाए। तो उम्मीद है कि ये बच्चे प्ले कर पाएंगे? बिल्कुल, बहुत बहुत बेहतर करेंगे। चलिए, आपको शुभकामनाएं और बच्चे बहुत अच्छा करेंगे, हमें भी विश्वास से उम्मीद है। तो बच्चों खूब मेहनत करो, मिलते हैं फिर। ओके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिवेदी और इस समय मैं हूं टाउन इंटर कॉलेज बलिया में। हमारे साथ हैं टाउन इंटर कॉलेज के प्राचार्य श्री अखिलेश सिन्हा जी, डॉक्टर अखिलेश सिन्हा जी। आपसे हम लोग बातचीत करेंगे कि सर, आपके इस विद्यालय में दो दो कार्यशालाएं आयोजित हो रही हैं, अभिनय प्रशिक्षण व्यक्तित्व विकास कार्यशाला और राज्य ललित कला अकादमी जो पेंटिंग की जो कार्यशाला है वो चल रही है। तो इन कार्यशालाओं का मतलब क्या महत्व होता है बच्चों के लिए विशेष रूप से? देखिए, ये जो कार्यशालाएं होती हैं, जैसे दो कार्यशालाएं चल रही हैं, एक अभिनय के को लेके है और एक कला और पेंटिंग को लेके है, ये एक बहुत बड़ा जरिया होता है बच्चों के अंदर छिपे हुए बहुमुखी प्रतिभा को बाहर निकालने का, उनको विकसित करने का। और जो सबसे बड़ा ये इसका प्रभाव होता है बच्चों के ऊपर, छोटे बच्चे आते हैं, देखिए आपके यहाँ 12 साल के भी बच्चे हैं, 18 वर्ष के भी बच्चे हैं, दोनों कार्यशालाओं में आपको दिखेंगे छोटे बच्चे। तो अभी आपने देखा होगा कि ये जो पब खेलने के लिए बच्चे ने अपनी माँ को गोली मार दी, बिल्कुल आए दिन ये तरह की घटनाएं घट रही हैं। दुनिया का चाहे विकसित देश हो या विकासशील देश हो, अब दोनों जगह इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। तो बच्चे को घर से बाहर निकालने का, उनके अंदर का जो एक जकड़न है, मानसिक जकड़न में बच्चा घर में रहता है जी, उस मानसिक जकड़न को बाहर निकालने का ये बहुत बड़ा जरिया है। इस तरह के जो समर कैंप चलते हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। जिस तरीके से जो सामाजिक बदलाव हो रहे हैं, तो जैसा कि आपने जिक्र किया पबजी को लेकर के, और जिस तरीके से समूह बोध घटता चला जा रहा है बच्चों का, वो व्यक्तिवादी होते चले जा रहे हैं, तो ऐसे आयोजनों में उनकी जो है प्रतिभाएं तो निखरती ही हैं और समूह बोध की भी कल्पना उनके अंदर विकसित होती है बच्चों के अंदर। जी बिल्कुल, ये देखिए जो आप समर कैंप में आप हैं, आप टीचर नहीं हैं जी। जी, आज के दौर में टीचर की परिभाषा बदल गई है,
निजी निवेश से चलने वाले जो विद्यालय हैं वो बच्चे को प्रोडक्ट मानते हैं, उनके लिए बच्चा एक उत्पाद है। और इसी क्रम में माता पिता भी अब बच्चों को एक उत्पाद समझने लगे हैं। जैसे कि लेविस का जीन्स जो है वो ज़्यादा उसकी मार्केट वैल्यू है, और जो फुटपाथ पे जीन्स बिकता है उसकी मार्केट वैल्यू कम है। ठीक इसी तरह से बच्चा भी अब स्कूल के लिए और अपने माता पिता के लिए एक प्रोडक्ट है, लेकिन आपके कार्यशाला में जो बच्चा आता है वो आपके लिए प्रोडक्ट नहीं है। आप उसको, सारे बच्चों को आप एक ही चीज़ पढ़ाते हैं, सारे बच्चे एक ही चीज़ को ग्रहण करते हैं। आप उनके अंदर अभिनय की क्षमता को निखारते हैं, आप उनके अंदर जो उनके इंटरव्यूज होते हैं, साक्षात्कार उनको कैसे लेना चाहिए, कैसे डांस करना चाहिए, कैसे म्यूजिक करना चाहिए, ये शिक्षा किसी स्कूल में आज की तारीख में नहीं दी जा रही है। किसी घर में गार्जियंस इस शिक्षा को नहीं देता है। आप देखिए बलिया जैसी जगह में जहाँ की बहुत सारे कॉलेजेस हैं, इंटर कॉलेजेस हैं, बहुत सारे प्राइमरी स्कूल्स हैं, और लेकिन आपके कार्यशाला में जो बच्चों की संख्या है वो ये बताती है कि अपने बच्चे के बहुमुखी क्षमता को बाहर निकालने के प्रति कितने प्रतिशत अभिभावक जागरूक हैं, ये आपकी संख्या को बताता है। लेकिन जो बच्चा इसमें समर कैंप में करता है, मेरा पूरा विश्वास है कि उसके अंदर की छिपी हुई प्रतिभा निखरती है और वो दुनिया के बहुमुखी क्षेत्र में जाता है और सफलता के झंडे गाड़ता है। आपको स्वयं इसके आप पूरी एक डिक्शनरी हैं, इफ्तिखार जी जो पेंटिंग का चला रहे हैं वो भी डिक्शनरी हैं, उनके पास पूरी एक लिस्ट है कि आज उनके बच्चे BHU में जाके फाइन आर्ट्स के हैं तो JNU में जाके पढ़ते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। और मुझको इफ्तिखार जी ने ही बताया या आपने भी बताया कि जैसे आपका एक बच्चा जो है वो UK या कहाँ चला गया, वो बिल्कुल उसी तरह से इफ्तिखार जी का बच्चा जो है जो भारत सुंदरी का जो क्राउन का जो डिज़ाइन था वो उनके इसी समर कैंप से निकले बच्चे ने उसको डिज़ाइन किया था। तो इस तरह के का जो प्रभाव है समर कैंप का, इसमें मेरा तो ये अपील है आपके माध्यम से कि जो अभिभावकों को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। और थोड़ा हम लोगों की भी ये खामी है, कमी है कि हम संसाधन के अभाव में हम इन चीज़ों का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार नहीं कर पाते हैं, जिससे गार्जियन को इसकी जानकारी भी नहीं हो पाती है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप कैंप चला रहे हैं, और निश्चित रूप से इस कैंप का प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ेगा। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद सर आपके।